जिसमें कहते हैं कि ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ़ द टी वी व्यूइंग टाइम सिक्सटी परसेंट ऑफ़ द टी वी व्यूइंग टाइम ख़बर सुनने में या ख़बर देखने में गुजारा जाता है तो ज़रा आप सोचें कि कितना ज़्यादा अहम ये एरिया है लिखने का इसमें जॉब्स भी बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है आप नए नए मीडिया हाउसेज़ आ रहे हैं वैसे वैसे इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं खास तौर पे अगर आप फ्री करना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप किसी एक मीडिया हाउस के साथ बन जाएं आप कई के साथ कर सकते हैं एंड विद फ्री लांस स्पेषली वैन यूर डूइंग इट ऑनलाइन द वर्ल्ड इज ओपन टू यू सो इफ यू कैन राइट वेल एंड यू कैन ग्रास द टेक्निक्स दैट वी आर गोइंग टू शेयर टूडे यू विल बी एबल टू डू वेल एज एन इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ राइटर बिकॉज दम समथिंग हैपनिंग ऑल द टाइम एंड यू हैव टू राइट अबाउट दिस ऑल द टाइम तो अगर हम डेफिनेशन लें इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ की चीज़ यह है अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ रिटन विद एन एम टू इंफॉर्म एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अ सर्टेन टॉपिक यानी कि हमने खबर देनी बहुत सिंपली बात ये है कि हमने लोगों को आगाह करना है किसी चीज़ से अवेयरनेस देनी है उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करना है उनको ये बताना है कि क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ किसने किया कौन कौन था ये सारी चीज़ें जो है एक टॉपिक के ऊपर चाहे वो आ, पॉलिटिक्स है चाहे वो मौसम का हाल है चाहे वो स्कूल के बारे में है एजुकेशन के बारे में है किसी इवेंट के बारे में है कोई भी ऐसी खबर जो आप देना चाहते हैं उसके बारे में आपने ये बताना है कि वो क्या हुई और आ, उसमें कौन कौन शामिल था कब हुई कैसे हुई This becomes informational and news. It has to have news value or newsworthiness. Now, what is news value and newsworthiness? Yani ke usse ki, uh, information hai. Value add rahi hai. So you are actually learning more than you uh, knew before. So there is an increase in knowledge once you uh, learn about it. And that knowledge is valuable for you. आपको कोई फ़ायदा हो रहा है अगर मुझे आप बताते हैं कि जी अब अब से कुछ घंटे बाद बारिश होने लगी इसमें मेरा फ़ायदा है क्योंकि मुझे पता होगा कि मुझे छतरी लेके जानी है मैंने फैसला करना होगा कि मैंने जाना है कि नहीं जाना तो इसीलिए इंफॉर्मेशन इन न्यूज़ बिकम्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सो हाउ डू वी राइट फॉर इट एज आई हैव बीन सेइंग इन मेनी ऑफ माय सेशंस एंड वी विल कीप सेइंग दिस वेयर मेन स्ट्रीम मीडिया इज कंसर्न एंड स्पेशली जर्नलिज्म इज़ कंसर्न वी हैव टू कीप इट सिंपल अब कीपिंग इट सिंपल बहुत एक वेग सी चीज़ है क्या मतलब कीप इट सिंपल ये तो हर, कुछ भी हो सकता है हर कोई कहता है इसका मतलब क्या है मतलब ये है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करें और मेन चीज़ें जॉट डाउन कर लें हम एग्जाम्पल लेते हैं एक बिल्डिंग में आग लगी तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन ली आपने कहा कि कहाँ आग लगी कितनी बड़ी आग थी कैसे लगी आ, बुझ पाई है अभी तक चल रही है कैसी है कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं क्या कोई लोग हैं वहाँ खाली बिल्डिंग थी किस चीज़ की बिल्डिंग थी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप जाके एट सोर्स या किसी से पूछते हैं या इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं जब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन पूछने की तो इसका मतलब है हम इंटरव्यू कर रहे हैं वी आर इंटरव्यूइंग द रेलिवेंट पीपल जो आई विटनेसेस थे जो उसके जिम्मेदार थे जो ऑर्गेनाइजर्स है जो पुलिस वाले हैं फायरमैन हैं बहुत सारे लोग हैं जो एक फायर के बुझाने में या एक फायर जब बिल्डिंग पे लगी होती है वहाँ मौजूद होते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ रोल्स प्ले कर रहे होते हैं हर उन इंसान से आपने इंटरव्यू लेना है उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है उसके बाद यू हैव टू टेक आउट द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वट इज़ द इम्पोर्टेंट न्यूज़ इन दैट वो टिक करें और जो आपने कोटेशन लेनी है कोटेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कोटेशन इंपॉर्टेंट होती है इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ में इसलिए क्योंकि वो वैलिडिटी देती है आपकी ख़बर को जब आप हू बहू लफ्ज़ बफ्ज़ किसी की बात को ला कोट करते हैं उससे आपकी ख़बर में जान आती है स्ट्रेंथ आती है वैल्यू एडिशन होती है एविडेंस होता है वो आपका कि वाकई जो आप बात कर रहे हैं वो सही है क्योंकि ये किसी ने कहा और उसके ये बिल्कुल हु बहू लफ्ज़ थे आप खुद से नहीं बता रहे ये एक्चुअल खबर थी इसलिए कोटेशन बहुत जरूरी हो जाती है इस्टेब्लिश एन एयर ऑफ इंपॉर्टेंस यानी कि कौन सी खबर सबसे पहले आनी चाहिए सबसे जरूरी है उसके बाद कौन सी उसके बाद कौन सी उसके बाद कौन सी यानी कि यू हैव एन एयर ऑफ इंपॉर्टेंस इन न्यूज नो योर ऑडियंस आप किसके लिए लिख रहे हैं बच्चों की खबर है बड़ों की खबर है बूढ़ों की खबर है किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये ख़बर जो लोग कराची में बैठे हैं जो लोग लाहौर लो में बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में बैठे हैं दुनिया में बैठे हैं आपकी ऑडियंस कौन है जिसको आप ये ख़बर सुनाना चाह रहे हैं जिसके लिए ये मीनिंगफुल ख़बर होगी एक ख़बर हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती बहुत कम ऐसी खबरें होती हैं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो मगर आपकी एक ऑडियंस होती है जिसको आप एड्रेस कर रहे होते हैं उस आपको लिखना होता है विच पब्लिकेशन आर यू राइटिंग फॉर यानी कि कौन सा अखबार है जिसके लिए आप लिख रहे हैं अब ये क्यों ज़रूरी है इसको थोड़ा सा अगर हम जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, इसमें हम बात करते हैं एजेंडा सेटिंग की यानी कि हर एक अखबार का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एक एजेंडे के साथ चल रहा होता है उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है सम पीपल वांट द जर्नलिज्म व्यू टू बी प्रेजेंटेड इन अ सर्टेन वे तो उस नज़रिए को उस पब्लिकेशन के नेचर कल्चर और जो उनका कॉन्टेक्स्ट है उसको समझते हुए आपको वो पब्लिकेशन लिखनी है उसका टोन उसकी लैंग्वेज वो सारा उसी हिसाब से होता है अगर आप जंग का जंग के लिए कुछ लिखेंगे तो उसकी उर्दू उस तरह आपको उर्दू में लिखना होगा उसकी ऑडियंस एक ख़ास किस्म की है वो एक ख़ास किस्म की खबर लिखते हैं इसी तरह अगर आप न्यूज़ के लिए लिखते हैं वो अलग होगा डॉन के लिए लिखते हैं तो अलग होगा मार्केट दैट द पब्लिकेशन एग्जिस्ट इन डॉन कौन पढ़ता है वो कौन ऑडियंस है पाकिस्तान है कौन से शहर हैं ये सब चीजें जो हैं आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं जब आप एक न्यूज़ और इंफॉर्मेशन की चीज लिख रहे होते हैं यूज ऑफ लैंग्वेज डोंट मेक इट सो and एंड सच डिफिकल्ट लैंग्वेज दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड you're saying. इतनी मुश्किल ना कर दें कि लोगों को समझ ही ना आए कि आप बोल क्या रहे हैं। फॉर example, आप वर्डी भी कह सकते हैं आप प्रोलिक्स भी कह सकते हैं Why शुड वी यूज द वर्ड प्रोलिक्स instead ऑफ वर्डी टू यूज वर्डी आसान लफ्ज है लोगों को समझ आता है स्पेस इज़ द मोस्ट प्रेशस एक कॉलम विथ है अखबार जो है या जो टी uh, वी का टाइम है वो लिमिटेड होता है और हर सेकेंड जो है वो दैट मीन्स मनी सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ वेरी शॉर्ट सिस टू द पॉइंट और उतने ही वक्त में आप बता रहे हैं जितना के वक्त आपके पास है टॉपिक को इमीजिएटली इंट्रोड्यूस करें यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक इमीजिएटली इसमें लंबी कहानी तमहीदे बांधने की ज़रूरत नहीं है जो हुआ है फ़ौरन बता दें एक्टिव वॉइस जैसे हमने पहले भी कहा जर्नलिज्म में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू यूज़ इन एक्टिव वॉइस पॉजिटिव इवन इफ़ नेगेटिव दिस इज़ गुड जर्नलिज्म हमारे यहाँ नेगेटिव को नेगेटिव भी बताया जाता है और बहुत ज़्यादा बताया जाता है बट यू सी नेगेटिव स्प्रेड्स पैनिक और रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के जरिए आपके ये एक आपकी एक रिस्पॉन्सबिलिटी आती है एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है कि आप पॉजिटिव तरीके से नेगेटिव न्यूज़ को भी ब्रेक करें ताकि पैनिक ना फैलाएं परेशानी ना फैलाएं सिर्फ उतनी ही बात करें जितनी की करनी चाहिए कोटेशन एज वी रिसेट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफिशलाइज़ यानी कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा फ्लावरी क्रिएटिव नहीं होनी चाहिए हालांकि अब तो ख़बर भी जैसे मैंने कहा कि एंटरटेनिंग होती जा रही है बट नॉर्मली जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं ख़बर दे रहे होते हैं तो वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज में दी जाती है ससिंक्ट और आपने जो बिज़नेस राइटिंग के सेशन सुने होंगे उसमें वो आपको तरीका भी बताते हैं हाउ टू ऑफिशियलाइज द राइटिंग स्टाइल आई होप दिस हैज़ बिन हेल्पफुल